The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, welcome everyone. Talking about salt, rock salt, sendha namak, kala namak, kai sare tarkar ke namak ke bare mein aapne suna hoga aur bahut sare आर्टिकल्स वेब पे आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे जिसके बारे में बेनिफिट्स के बारे में और कि सी सॉल्ट सॉरी आपके इस हिमालयन सॉल्ट रॉक सॉल्ट सेंधा नमक बहुत अच्छा है बहुत बेनिफिशियल है ब्लड प्रेशर को ठीक कर देगा एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. देखिए सच्चाई क्या है आज हम जानेंगे, रिसर्च क्या कहती है और एक्चुअल साइंस क्या है. कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि काला नमक रॉक सॉल्ट सेंधा नमक ये सोडियम सॉल्ट नहीं है, सोडियम क्लोराइड नहीं है, पोटेशियम क्लोराइड है, बल्कि ये सच नहीं है. जी हाँ, काला नमक सेंधा नमक रॉक सॉल्ट ये सारे ही सोडियम क्लोराइड ही है, इट्स नॉट पोटेशियम क्लोराइड. सॉल्ट दुनिया का सबसे कॉमन कुकिंग इंग्रेडिएंट है, बिना उसके प्रॉपर आप खाना नहीं खा पाते, मील अच्छी नहीं लगती, वट एवर इट इज. और यहां पर यह समझना जरूरी है कि सारे प्रकार के सॉल्ट एक बराबर नहीं है, उसमें कई सारी वैरायटी है, टेस्ट में वैरायटी है. टेबल सॉल्ट, चाहे हिमालयन सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट, कोशर सॉल्ट, सी सॉल्ट, या किसी भी प्रकार का सॉल्ट आप ले लीजिए, सेंधा नमक, काला नमक, वट एवर, राइट. सो इनमें टेस्ट और टेक्सचर तो बदल जाता है, साथ में क्या बदलता है तो सारे सोडियम क्लोराइड ही है. एक्चुअली में पोटेशियम सॉल्ट टोटली अलग होते हैं, सोडियम क्लोराइड सोडियम का कंटेंट बढ़ता है, सोडियम का कंटेंट और मिनरल कंटेंट बदलता है. मिनरल्स होते हैं, जी हाँ बिल्कुल सच सुना, कई सारे लोग इनको मिनरल्स के लिए ही प्रेज करते हैं, जो अच्छी बात भी है. सो मिनरल्स बहुत होते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन सॉल्ट बेसिकली है सोडियम और क्लोराइड का मिक्सचर. सोडियम और क्लोराइड मिलके ये एसेंशियल होते हैं आपकी बॉडी के लिए, दोनों मिलके आपके ब्रेन, नर्व्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स सबके लिए जरूरी है, तो सॉल्ट भी जरूरी है. मिनिमम सॉल्ट आपको लेना जरूरी है, हमने ऑलरेडी सॉल्ट वाला वीडियोस बना चुके हैं पहले, सॉल्ट के बारे में बता चुके हैं कि आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2300 ग्राम यानी कि मिलीग्राम यानी कि 2.5 ग्राम से थोड़ा कम आपको सॉल्ट डेली चाहिए होता है. मिनिमम में अगर आप लो सॉल्ट डाइट भी ले रहे हैं तो आपको 1600 मिलीग्राम सॉल्ट के ऊपर लेना जरूरी है. सो सॉल्ट वो जरूरी है. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है सॉल्ट माइन से या स्वीट सी वाटर से सॉल्ट निकालते हैं या मिनरल रिच वाटर से सॉल्ट निकालते हैं. सॉल्ट के अंदर बहुत सारे पर्पसेस भी हैं. फूड को फ्लेवर करना उसमें एक पर्पस है, फूड को प्रिजर्वेटिव में यूज करना जैसे हम अचार में यूज करते हैं. बैक्टीरिया जो है सॉल्ट रिच एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर सकते, इसीलिए वहां यूज होता है. सॉल्ट अनहेल्दी भी है. नाउ अनहेल्दी क्यों है? लार्ज अमाउंट में ये सीधा सीधा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देगा, बॉडी के अंदर काफी कुछ डैमेज करेगा, और कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम करता है. सोडियम में कम ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, इसके ऊपर टोटली अलग वीडियो है सोडियम के ऊपर, आप वो देख सकते हैं. स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि अगर आप सॉल्ट इनटेक अपना कम करो, सॉल्ट यानी किसी भी प्रकार का सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड इनटेक, तो आपका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा स्लोली, और आपका हार्ट अटैक का रिस्क, स्ट्रोक का रिस्क, डेथ का रिस्क कम होता है, राइट. इसी चक्कर में सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को बुरा भी बोला जाता है, इसी चक्कर में कई सारे दूसरे प्रकार के सॉल्टों को प्रमोट करके बेचा जाता है. नाउ ज्यादातर जो सोडियम वेस्टर्न वर्ल्ड में मिलता है वो जो सॉल्ट मिलता है वो बेसिकली रिफाइंड सॉल्ट होता है, प्रोसेस्ड सॉल्ट होता है, राइट. और जो एक्चुअली हम ओवरडोज की बात कर रहे हैं ना कि आपको सॉल्ट ज्यादा मिल गया, ये मिल गया, यहां पर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट बॉडी में जाता है ये उस नमक से नहीं जाता कि वो सोडियम कौन सा नमक हम, वो जाता है बाहर के जो प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं, उसमें सॉल्ट का इंटेक बहुत होता है, राइट. याद रखिए, अगर हम अलग अलग प्रकार के सॉल्ट की बात करें, रिफाइंड सॉल्ट, सी सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट, कोशर सॉल्ट, तो उसके बारे में फटाफट समझ लेते हैं कि क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है. पहला जो इंपॉर्टेंट हमारा जानने वाली चीज है कि नॉर्मल सॉल्ट जो है, रिफाइंड सॉल्ट, रेगुलर टेबल सॉल्ट, सबसे कॉमन सॉल्ट, सबसे हाईली रिफाइंड होता है, मीनिंग कि उसमें जो भी ग्राउंडेड हैवीली होता है, छोटे छोटे होते हैं, सारी इंप्यूरिटीज, सारे ट्रेस मिनरल्स सब निकाल दिए जाते हैं, वो सिंपल सोडियम क्लोराइड है और कुछ नहीं, राइट.
इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि इसमें ये एक साथ क्लंप हो सकता है, ये चिपक सकता है, इसीलिए इसमें एंटी केकिंग एजेंट डाले जाते हैं ताकि वो एक फ्री फ्लो हो, राइट। और जो फूड ग्रेड टेबल सॉल्ट हम यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट प्योर सोडियम क्लोराइड है, 97% इन मेनी केसेस, 97% तक सोडियम क्लोराइड होता है। इन एडिशन इसमें आयोडीन डाला जाता है। यहां पर ये पब्लिक हेल्थ प्रिजर्वेटन है अगेंस्ट आयोडीन डेफिशिएंसी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आयोडीन डेफिशिएंसी थायराइड प्रॉब्लम करता है, इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स करती है, वेरी कॉमन इन द वर्ल्ड। इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि एक आयोडीन रिच सॉल्ट अगर आप नहीं ले रहे, इफ यू चूज नॉट टू ईट अ रेगुलर आयोडीन रिच एनरिच्ड टेबल सॉल्ट, तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आपकी डाइट में दूसरे आयोडीन रिच फूड जरूर हो, ये बहुत जरूरी फैक्टर है। यहां पर बात ये नहीं आ रही कि ये अच्छा कि ये बुरा है, दोनों में सोडियम क्लोराइड, इसमें थोड़ा ज्यादा है, उसमें मिनरल्स कुछ नहीं है, दूसरे में मिनरल्स है, राइट। ब्लड प्रेशर कम दोनों को कम करने से होगा, चाहे कुछ भी हो, अभी अभी बात करेंगे हम दूसरे नमकों की, लेकिन आयोडीन रिच सॉल्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर थायराइड। अगर आप आयोडीन रिच आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं ले रहे हो, कई सारे सेंधा नमक, काला नमक, हिमालयन सॉल्ट में लिखा होता है नॉन आयोडाइज्ड, आयोडीन सॉल्ट नहीं ले रहे हो, तो आपको आयोडीन का दूसरा सोर्स अपने डाइट में रखना पड़ेगा रेगुलरली, डेली रैदर, या तो उसमें फिश हो या एग्स, डेयरी प्रोडक्ट हो या सी फूड हो, सी वीड हो, अगर ये नहीं है तो आयोडीन नहीं है, रिमेंबर दैट। बाकी आयोडीन आयोडीन रिच फूड आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। फिर बात करते हैं सेंधा नमक। सेंधा नमक यानी हिमालयन रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, जो भी आप कह लीजिए, इसको यही बोलते हैं, केवड़ा नमक भी बोलते हैं इसको, कई सारे नमक बोलते हैं। इट इज वन ऑफ द जो बहुत लार्जेस्ट, हिमालय के अंदर लार्जेस्ट माइन है दुनिया की, इन द वर्ल्ड, जिससे नमक निकलता है। हिमालयन सॉल्ट कंटेन्स ट्रेस अमाउंट, उसमें आयरन ऑक्साइड है यानी कि रस्ट, इसीलिए रस्ट आयरन ऑक्साइड है, इसलिए वो पिंक कलर का है, रस्ट यानी कि आयरन ऑक्साइड। फिर इट इज ऑल्सो हैज कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये इस चीज में क्या होता है, यहां पर दूसरी चीजें हैं तो इट मेक्स इट स्लाइटली लेस सोडियम, तो सोडियम इसमें थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू नॉर्मल टेबल सॉल्ट, तो टेबल सॉल्ट से थोड़ा कम सोडियम है, बाकी ये ट्रेस मिनरल साथ में आ जाते हैं, सो इसीलिए नॉर्मल सॉल्ट से कंपैरिजन में ये सॉल्ट चलेगा, बट देन अल्टीमेटली ये भी ब्लड प्रेशर करेगा, क्योंकि उसमें अगर 97% है तो इसमें भी 90-95% है, तो वही बात समझे। हाउएवर मेन डिफरेंस इज द कलर ओनली और कुछ नहीं, इसमें आपको टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, और कुछ थोड़ा बहुत टेस्ट में फर्क हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कहाँ से लिया है सॉल्ट, इंडिया है, पाकिस्तान, कहाँ कहाँ से, सब जगह से आता है, राइट। सो ट्रेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मिनरल्स जरूर आता है। फिर कोशर सॉल्ट भी एक चीज है, कोशर सॉल्ट जूश कल्चर्स में मिलता है, और यहां पर जूश कल्चर्स में डिफरेंस रेगुलर सॉल्ट और कोशर सॉल्ट में है फ्लेक्स के शेप का। कोशर सॉल्ट लार्जर फ्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े फ्लेक्स होते हैं, फ्लेक्स होते हैं उसके, बाकी है तो वो वही चीज, ठीक है। कोशर सॉल्ट विल ऑल्सो हैव डिफरेंट टेक्सचर, उसमें डिफरेंट फ्लेवर भी अलग आएगा थोड़ा सा, और फूड के अंदर ये डिजोल्व होना पड़ता है, आपको अलाउ करना पड़ता है, वर अगर आप डिजोल्व होने देते हो तो फिर कोई कंपेयर, कोई बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, सेम है दूसरे सॉल्ट के जैसा, कोशर सॉल्ट, राइट। सो हिमालयन सॉल्ट ले लें या किसी भी तरीके का सॉल्ट ले लें, है तो ये। अगर हम एक्चुअली बात करें टेस्ट डिफरेंसेस की, तो टेस्ट डिफरेंट थोड़ा थोड़ा डिपेंडिंग अपॉन किस किस प्रकार के उसमें ट्रेस एलिमेंट्स हैं उसके बेसिस पे आ जाते हैं। फ्लेवर, कलर, टेक्सचर और कन्वीनियंसेस का डिफरेंसेस हैं उसमें। लेट्स टॉक अबाउट द मिनरल कंटेंट। अगर हम कंपेयर करें मिनरल कंटेंट का टेबल सॉल्ट और हिमालयन सॉल्ट का, तो टेबल सॉल्ट में जहां पर कैल्शियम की मात्रा 0.03% है, वहां पर हिमालयन सॉल्ट में 0.16% है। पोटेशियम की मात्रा 0.09% टेबल कॉमन टेबल सॉल्ट में, तो हिमालयन रॉक सॉल्ट में 0.28% पोटेशियम है, इन्हें बढ़ गया। मैग्नीशियम बहुत ही कम है टेबल सॉल्ट में, 0.01% से कम, और 0.1% हिमालयन सॉल्ट में है, और आयरन भी इसी प्रकार से बहुत कम है।
सोडियम की मात्रा अगर हम बात करेंगे कि एक्चुअली सोडियम नॉर्मल टेबल सॉल्ट में कितना है, तो 39.1% बाई दिस इज अबाउट द एक्चुअल सोडियम, बाकी क्लोराइड भी है, ये है वो है. तो सोडियम इज 39.1% और हिमालयन सॉल्ट में वहां 36.8% है. तो यहां पर ये डिफरेंस है. इससे हिमालयन सॉल्ट से भी कम एक सीलिएक सॉल्ट है जिसमें 33.8% था, और एक मेल्टन सॉल्ट भी आते, कई सारे सॉल्ट है दुनिया में. सो यहां पर आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड ही है और कुछ नहीं है. सो द अल्टीमेट एम, अगर हम बात करेंगे कि क्या सॉल्ट शिफ्ट करने से आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, तो सिर्फ ये नहीं होने वाला. तो जहां एक माइनर इफेक्ट जरूर आएगा, मगर जो क्लेम्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगे वो इससे 10 गुना बढ़ा चढ़ा के बताए जाते हैं. सो ब्लड प्रेशर कंट्रोल इज नॉट जस्ट अबाउट शिफ्टिंग टू सेंधानमक. आपको अपने आयोडीन का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अपने सॉल्ट इंटेक वैसे ही कम करना पड़ेगा, आपको अपने डाइट में वेजिटेबल सैलड्स, फूड्स, लिक्विड्स, एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर लाइफस्टाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, वरना बीपी कंट्रोल नहीं होगा, वरना हार्ट का रिस्क कम नहीं होगा. इफ यू वॉन्ट टू फूल योर सेल्फ यू कैन, है कि नहीं? लोग उल्लू बनाने बैठे हैं, बनने हैं बन सकते हो, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. ये जानकारी आपके लिए जरूरी थी इसलिए हमने बताई. थैंक यू सो मच. Stay connected, stay healthy. If you have any questions, please ask.